ट्राउजर का डिजाइन है जिस पे ये मैंने पट्टी बना के लगाई है। तकरीबन 1 इंच कम थी ये पट्टी बना, ये आधी इंच कम मैंने सिलाई लगा के ये पट्टी बना ली। फिर मैंने ये डिजाइन किया, ये डिजाइन मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाऊंगी। इसके बाद मैंने मार्केट से बने ये मेरे लिए, ये मैं आपको बताऊंगी कि कैसे मैंने ये लगाया है सारा कुछ है। ये देखें, इधर मैंने पेपर लिया, पेपर के ऊपर रखे ये मैंने लगाई पट्टी की। पट्टी लगाने के बाद फिर मैंने इस पे अटैच किया, फिर मैंने ट्राउजर पे अटैच किया। आइए स्टार्ट करते हैं आज की सिलाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं व्यूवर्स? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम से आप बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए ट्राउजर का डिज़ाइन लेके आई हूँ। मैं ये मैंने पट्टी बना के लगानी है, पट्टी मैंने बनानी है इसकी। ये देखें, 1/4 इंच मैंने ये पट्टी ली है और ये मैंने मिरर ली है मार्केट से। ऐसे पहले भी मैंने आपको एक ट्राउजर का डिज़ाइन बना कर बताया हुआ है जिसपे ये मैंने मिरर यूज़ किए हैं। चलो चलो स्टार्ट करते हैं सिलाई की। सबसे पहले आप मेरे चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। ये देखिए, इसको मैंने फोल्ड कर लिया। फोल्ड करने के बाद मैंने 1/2 इंच से कम इस पर सिलाई लगानी है। ये देखिए, कपड़ा जो हमारा एक्स्ट्रा है, हमने जो कटिंग करना है, ज़्यादा कपड़ा हमने इसके अंदर नहीं यूज़ करना। ये पट्टी हमारी मोटी हो सकती है। ये नीडर की मदद से फिर हम इसको सीधा करेंगे। ये देखें, इसको मैंने सीधा कर लिया। फिर मैंने इसको प्रेस कर लेना है। 2 इंच मैंने ये पट्टी कटिंग कर ली, ये देखें, और 2 इंच का मैंने ये पेपर लिया है इस तरह। आप पट्टी को हम इस तरह लगाएंगे। इसका हमें थोड़ा थोड़ा गैप छोड़ना है, 1/2 इंच से कम। इससे मैं सारी पट्टी इस पेपर पे लगा लूंगी, फिर मैं इधर सिलाई लगा लूंगी। फिर मैं आपको दिखाती हूँ ये मेरी जाली कैसे तैयार की है मैंने इसकी पट्टी की। ये देखें, ये मैंने पट्टी तैयार कर ली है सारी, जो इधर से एक्स्ट्रा था वो मैंने कटिंग कर लिया। अब हम बनाएंगे डिज़ाइन। इसको मैंने स्केल के साथ सारे को मैश कर लेना है, पूरा स्केल ही मैंने इसका रखना है इस तरह। तकरीबन 2.5 इंच का है ये। ये मैंने कैप लिया, किसी भी बॉर्डर का ले लें आप। इधर से फिर हमने इस तरह गुलाई शेप करनी है इसकी। यही मैंने पेंसिल का निशान लगाना है, इधर तक रखना है हमने गैप अपना, और इधर तक हमने खत्म कर लेना इसके लाइन तक। ये देखिए, फिर मैंने इस तरह ये कटिंग कर लेना है। ये देखिए इस तरह, ये मैं सारा कटिंग करके आपको दिखाती हूँ कपड़े पे चिपका के, फिर दिखाऊँ कैसे सिलाई लगानी है इसकी। ये साथ साथ सिलाई लगा रही हूँ मैं इसके बुकरम के।
और अब इसे साथ साथ कटिंग कर लेना सारे। इसे सेंटर पे हमें कट लगा लेना है इस तरह। ये सारे कटिंग करके सीधा करके मैं आपको फिर दिखाऊंगी ये कैसे हम ट्राउजर पे अटैच करते हैं। ये देखिए मैंने प्रेस कर लिया, प्रेस करने के बाद ही ये मैंने कपड़े को फोल्ड कर लिया और दूसरे कपड़े को भी मैंने इसके बराबर फोल्ड कर लिया। अब इसके हम रख लगाएंगे, ये दोनों को ऊपर नीचे हमने रख लेना है इधर से ऐसे फोल्ड किए कपड़े को, कनाडा की सिलाई लगाएंगे इसकी हम। और फिर हम एक थोड़ा सा गैप छोड़कर सिलाई लगा लेंगे दूसरी। फिर हम अपने ट्राउजर पर अटैच करेंगे इस तरह, कपड़े को फोल्ड कर लेना है ये देखें, इस तरह रख के लगा लेंगे। इसकी भी हम किनारे की सिलाई लगाएंगे, किनारे की सिलाई हमारी नीट होनी चाहिए। दूसरी तरफ ही हम थोड़ा सा गैप छोड़कर सिलाई लगाएंगे इसकी। ये देखिए फिर हमने अपने सारा पेपर को उतार लेना है। देखिए आज का डिजाइन हमारा तैयार है, ये इसमें मैं ये शीशे लगाऊंगी ये देखिए इस तरह सारे रखे लगा लेने हैं ये देखिए। तो कैसा लगा व्यूवर्स आज का डिजाइन ट्राउजर का?